प्रवासी मजदूर जो बाहर से घर आए हैं उनके ठहरने के लिए सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उस सेंटर पर काफी अव्यवस्था है। वहां जो लोग रुके हैं वो समस्याओं से काफी परेशान है। सांप बिच्छू, अंधेरे में रहना, मच्छर का प्रभाव इतना उन पर पड़ गया है कि वो काफी परेशानी के हालत में जी रहे हैं। इन्हीं सारी मांगों को लेकर आज हम लोगों ने अपने सामाजिक कार्यकर्ता साथियों के साथ जिलाधिकारी से एक डेलीगेशन मिलने आए हैं। उन्हें 11 सूत्री एक ज्ञापन दिया है। हमने उनसे कहा है कि जो भी क्वारंटाइन सेंटर है उस पर प्रभावी व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी दिया जाए, साथ साथ खाना का मेनू जिला से निर्धारित हो और मेनू के अनुसार खाना मिले। क्वारंटाइन सेंटर पर जो खाना बनाने वाले रसोइयां हैं वो अक्षम साबित हो रहे हैं, उनके साथ पेशेवर खाना बनाने वाले रसोइया को नियुक्त किया जाए। सभी केंद्रों पर प्रतिदिन वहां रह रहे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो। जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक किट जिसमें लुंगी, तौलिया, मच्छरदानी सहित अन्य सुविधा का सामान है वहां रह रहे प्रवासियों को उपलब्ध कराया जाए। वहां पर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो काफी कमजोर है, वहां मॉनिटरिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। जो प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम खुला हुआ है उसमें संवेदनशील और सक्षम पदाधिकारी को लगाइए ताकि वो सबको सुने और समस्या का निदान करें, और जो वरीय पदाधिकारी हैं वो निश्चित रूप से सेंटर का प्रतिदिन विजिट करें ताकि स्थिति सामान्य बना रहे। और साथ ही जिलाधिकारी से हम लोगों ने यह भी कहा है कि हर जगह जनरेटर का व्यवस्था करिए। महीनों से स्कूल बंद था, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सांप बिच्छू निकलते हैं, प्रवासी जो मजदूर हैं वो सहमे हुए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था हो। और सारे मांगों को गंभीरता से लिया है जिलाधिकारी महोदय ने। कई मांगों पर उन्होंने टेलीफोन करके संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है और उन्होंने कहा है कि कल तक जिले के सभी पंचायत स्तर के जो भी हमारा क्वारंटाइन सेंटर है वहां हम जो रह रहे हैं लोग प्रवासी हैं उनको हम किट जरूर उपलब्ध करा देंगे और उनको भोजन पानी में कठिनाई नहीं हो। उन्होंने कहा कि जनरेटर के लिए हमने सभी अंचल अधिकारी को निर्देश किया है, जनरेटर का व्यवस्था कर देंगे। और उन्होंने हम सबको आश्वस्त किया है कि आगे से कोई परेशानी नहीं होगा और सारे चीजों को ईच एंड एवरी डे मैं मॉनिटरिंग करता हूं और मैं आप जो भी 11 सूत्री हमको ज्ञापन दिए हैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी और समस्या आगे नहीं होगा, इसका उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है।